हमारे इस वीडियो का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा बस इतना कहना है, टैलेंट है तो चलेगा, और अगर टैलेंट नहीं है तो गालियां तो मिलनी ही चाहिए, भले फिर वो स्टार किड हो या आउटसाइडर हो। सपोर्ट तो सिर्फ टैलेंट को करना है बस। तो मूवी ट्रेलर पर जाने से पहले हम लोग बात करेंगे मूवी के कास्ट के बारे में, जिसमें से मेरे को सिर्फ एक ही लड़की खलती है, वो है ये जानवी कपूर, जिसने अपनी पहली मूवी गोबर करने के बाद फिर से आ गई है इस मास्टरपीस मूवी को गोबर करने के लिए, और इसका पूरा की पूरा श्रेय जाता है हमारे नेपोटिज्म के कीड़े करण जौहर को। वैसे कहानी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है, अच्छी है वुमन्स के बारे में, बट इस लड़की ने अगर फिर से गोबर कर दिया तो पूरी की पूरी बकवास हो जाएगी। बाकी कुछ नहीं बोलना, अब चलते सीधा ट्रेलर की तरफ। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हमको एक वॉर दिखाई दे रही है, जो कि मूवी के आखिर वाली कारगिल वॉर हो सकती है, या फिर मूवी के स्टार्ट में ही एक इमेजिनरी वॉर दिखाई जा सकती है। बट गौर करने वाली बात ये है कि इसके बैकग्राउंड में एक वो वॉइस चल रही है जिसमें बोला है कि वॉर करो या फिर घर जाकर बैलन चलाओ। इस वर्डिंग में ही आपको समझ आ जाएगा कि इन लोग की थिंकिंग वुमन्स के लिए क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि गुंजन सक्सेना की सारी ट्रेनिंग वीडियोस को क्विक शॉर्टली हमको दिखाया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट शॉट में हमको देखने को मिलता है कि गुंजन सक्सेना के बचपन से ही सपना था कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करे, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो उनके पापा भी आर्मी में थे और उन्हीं के हिसाब से उनके ब्रदर जो थे वो भी आर्मी में थे, और उन्हीं को देखते हुए वो भी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसके पापा उसके फुल्ली सपोर्ट में थे। लेकिन उनकी मॉम जो कि एक टिपिकल वुमन की तरह सोच रही थी, क्योंकि ये मूवी 1990 की है तो उस समय की सोच में थोड़ा सा बदलाव होगा ही, उस हिसाब से उसके पापा उसकी फुल्ली तरह सपोर्ट करते हैं, उसकी ट्रेनिंग को देखते हैं, और ट्रेनिंग करने के बाद वो सक्सेसफुल्ली एयरफोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाती है। और ये सारी चीज़ें हमको स्टार्टिंग की इस ट्रेलर के अंदर दिखाई गई है। तो एक पार्ट में ये मूवी पूरी तरह से बचपन, ट्रेनिंग और इन्हीं चीज़ों में चलती है, बट जब वो फुल्ली सक्सेसफुल्ली एयरफोर्स के लिए ज्वाइन हो जाती है तब से एक अलग ही ट्विस्ट इस मूवी के अंदर शुरू होता है, जहां उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। जहां सब बॉयज़ होते हैं उसमें वो अकेली लड़की एयरफोर्स ज्वाइन करती है, और वो उसके जो कलीग्स होते हैं वो भी उसे बहुत कमज़ोर तरीके से लेते हैं, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद वो वहाँ पर टिकी रहती है और अपने पापा का नाम बनाए रखती है, और इसके बाद उसे एक बार जाके मौका मिल जाता है और उस मौके में वो चौका मार देती है, जहाँ कारगिल वॉर छिड़ जाती है, जहाँ पर गुंजन सक्सेना को एक मौका मिलता है और वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी काबिलियत वहाँ पे शो कर देती है, और उसके बाद सबको समझ में आ जाता है कि कोई किसी से कम नहीं होता, बस देर होती है अपने हुनर को निहारने। तो इसी इवेंट के ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी बनाई गई है, उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको क्लियरली इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा, उसने कैसे शुरुआत की थी वो सारी बातें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगी। फिर बाकी में मिलूंगा आपको ये मूवी रिलीज होने के बाद इस लड़की ने क्या कारनामे किए मूवी के अंदर वो बताने के लिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।